हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं मिल रही हूँ आपसे 2 दिन बाद। मुझे थोड़ा बिजी थी, इस वजह से आज मैं आपको फिर सैटरडे अपने बच्चों की एक्टिविटी लेके आ रही हूँ। तो आज मेरी बच्चों की है राइटिंग कॉम्पिटिशन। मैंने नेक्स्ट सैटरडे पिछले सैटरडे आपको मैंने बोला था कि मैं बच्चों से नई एक्टिविटी लेकर आऊँगी। तो मेरी हर सैटरडे बच्चों के साथ एक्टिविटी होती है, तो वो मैंने ज़रूर आपके साथ शेयर करनी होती है, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हमारी सैटरडे कोई भी एक्टिविटीज हो तो आप सबके साथ शेयर की जाए। तो आज मैं उनके साथ आई हूँ, अपनी बच्चों की राइटिंग लेकर आई हूँ। तो देखते हैं कि उनकी छुट्टियों में, जो मतलब छुट्टियाँ ही समझ लो कि लॉकडाउन में बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो उनकी राइटिंग कैसी हो गई है। मैंने तो बहुत इम्प्रूवमेंट करवाई है उनकी राइटिंग में। देखते हैं आज उनका राइटिंग ही देखी जाएगी कि वो कैसे करते हैं। तो इससे ही हो जाएगा कि बच्चों को राइटिंग करने में भी इंटरेस्ट होगा। तो सैटरडे में रखती है ऐसी एक्टिविटियों की बच्चों की देखी जाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं और किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो बच्चे एक्टिविटीज़ वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आज इनकी राइटिंग कंपटीशन मैंने इसलिए रखा है कि बच्चे देखते हैं राइटिंग कैसी करते हैं और कैसी होगी, वो आपके सामने मैं जरूर दिखाती हूँ। ये बैठे हैं मेरे बच्चे। तो ये बच्चे बहुत एक्साइटेड है राइटिंग करने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग ही आते ही उन्होंने मुझे बोला कि मैम आज राइटिंग कॉम्पिटिशन है। पहले उससे पहले मैंने इनकी थोड़ी स्टडी कराई है, तो अब मैं इनकी राइटिंग करवा रही हूँ। चलो देखते हैं कि कैसी राइटिंग करते हैं। इनकी करवा रही हूँ इंग्लिश की राइटिंग। तो ये बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं राइटिंग करने में, और देखा जाएगा कि इनकी राइटिंग कैसी है। ये बैठा है प्रथम, ये स्नेहा बैठी है। तो इनकी मैंने आज रखी है इंग्लिश की राइटिंग। तो आपको दिख रहा होगा बच्चे पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी जो बच्चे 5th में हैं वो बच्चे पेन से राइटिंग कर रहे हैं, और मेरे पास छोटे बच्चे भी हैं जो पेंसिल से राइटिंग कर रहे हैं। उनका वो भी कह रहे थे मेरे को कि मैम हमें पेन से राइटिंग करनी बंद करना है, और तुमने करनी है पेंसिल से। तो पेंसिल से कर रहे हैं बच्चे। वैसे ना ज़्यादातर कोई भी एक्टिविटी हो, मतलब तो चलो राइटिंग वगैरह, तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेके करते हैं। बच्चे कर रहे हैं, ये देखो ये बैठा है प्रेम। तो मैंने इनको बोला सुंदर सुंदर राइटिंग करना, क्योंकि बच्चों की लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो राइटिंग में भी काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं, राइटिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं। मगर तकरीबन मेरे बच्चों की राइटिंग अच्छी है, बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनको जब भी पढ़ाती हूँ, कोई भी वर्क करवाती हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, तो मैं इनको बोलती हूँ कि राइटिंग सब बच्चों ने अच्छी करनी है। तो बड़े बच्चों को जब से पेन लग गए हैं, 5th क्लास में इनको पेन लग गए हैं, तो ये पेन के वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इनको शौक हुआ हुआ है पेन से राइटिंग करने का, क्योंकि मेरे पास ये वर्क मैंने इनको शुरू करवा दिया है पेन से करवाना, क्योंकि जब ये लॉकडाउन के बाद जब इनके स्कूल खुल जाएंगे, फ़िलहाल लॉकडाउन को तो अभी पता नहीं चल रहा है, स्कूल तो बंद ही है, जिस दिन ये स्कूल जाएंगे मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले इनकी पेन से हैंडराइटिंग अच्छी होने लग जाए, क्योंकि घर पे ही बच्चे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि स्कूल में जाके इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेन से राइटिंग बना करने में। तो ये बच्चे कर रहे हैं पेंसिल से, और मैंने इनको बोला थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि थोड़ा लेट ना हो जाए, क्योंकि व्लॉग मेरा ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मैं चाहती हूँ बड़ा ना हो, क्योंकि कोई बोर ना हो देखने में, तो मैंने छोटा ही व्लॉग रखना है बच्चों की, तभी मैं सैटरडे कोई एक्टिविटी ही डालती हूँ। और बच्चे भी पूरा इंटरेस्ट लेते हैं करने में। ये देखो ये बैठे हैं, सब इंजॉय कर रहे हो राइटिंग में। yes. और ये प्रथम भी बैठा है करने, इधर प्रथम इधर करो फेस, ये बैठे है। इसको बहुत मुश्किल से बिठाना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। तो मेरी इस ये वाले व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिसने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करो कि ऐसे ही मैं, अगर आपके अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मैं अपने और आपके सामने व्लॉग अच्छे लाऊंगी, एक्टिविटीज़ लाऊंगी बच्चों की जो मैं करवाती हूँ। तो रोहित की कंप्लीट होने वाली है राइटिंग, तो स्नेहा की भी कंप्लीट हो चुकी है, गुड, बहुत अच्छी राइटिंग की है स्नेहा और रोहित ने। और यहाँ पे संध्या की राइटिंग, फर्स्ट टाइम संध्या राइटिंग कर रही है, बहुत अच्छी कर रही है,
कि इनकी पहली बार इनको पता है छोटे बच्चों को राइटिंग कंपटीशन भी होता है कोई, तो ये इंटरेस्ट ले रहे हैं। संध्या ने भी कंप्लीट कर ली है। संध्या का थोड़ा रजिस्टर का पेज बढ़ा है तो इसने हाफ पेज ही करा है। चलो फर्स्ट टाइम है, हाफ पेज ही ठीक है, अच्छी की है राइटिंग फर्स्ट टाइम भी। तो यहाँ पे हो चुकी है प्रेम की भी कंप्लीट हैंड राइटिंग। तो और यहाँ पे भी ये फुल पेज नहीं कर पाया, थोड़ा पेज बढ़ा है तो इसने भी हाफ पेज ही की है। प्रथम का भी हो चुकी है राइटिंग कंप्लीट, तो इस बच्चे ने भी कर ली कंप्लीट हैंड राइटिंग। तो इन सब बच्चों की राइटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो इन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया है तो इनको अच्छा भी लगा। तो आज इनकी राइटिंग ही देखी गई है, तो सबकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इन सब बच्चों को कैसा मज़ा आया सब बच्चों को? Yes. तो मेरे इस व्लॉग को लाइक करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। बाय।